हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी नई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। आज की ब्लॉगिंग जो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर, और वहां पर आपको हम दिखाएंगे कि शंखेश्वर महाराज जी का, भोलेनाथ बाबा जी का एक मंदिर है, और वहाँ के हम आपको आज पूर्ण दर्शन कराएंगे। वहाँ की क्या मान्यताएं हैं और उस मंदिर से रिलेटेड जितनी भी वहाँ पर एक्टिविटी होती हैं वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आपको लेके चलते हैं सीधा मंदिर। तो गाइज, हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और ये लगभग हमारे गाँव से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर स्थित है, और हम आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं श्री शंखेश्वर धाम साखिन, और ये देखिए गेट लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम अभी आपको यहाँ का पूरा रिव्यू दिखाएंगे, और यहाँ का पूरा जो सरोवर है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको दिखा पा रहे हैं, आप देख पाएं। मैं पहुँच चुका हूँ श्री शंखेश्वर धाम। ये यज्ञशाला है, शंखेश्वर धाम यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ हुआ करती हैं। और ये बाबा श्री रघुनाथ श्रीदास जी, ये मंदिर है भोलेनाथ बाबा का छोटा सा, और बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, हम आपको लेकर के चलते हैं सीधा वहाँ। तो गाइज, हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या मान्यताएं हैं, हम आपको दिखाएंगे पूरा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं। तो गाइज, हम चल रहे हैं इस मंदिर। जय हनुमान जी। और ये भोलेनाथ बाबा जी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर का पूरा रिव्यू। तो हम सीधा चलते हैं बिना देरी के इस मंदिर के अंदर। और ये गेट है, आप देख पा रहे होंगे, ये मंदिर बाबा जी का प्रणाम, ये भोलेनाथ बाबा जी हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये सुंदर सुंदर मूर्तियां आप देख पा रहे होंगे। और कहा जाता है यहाँ की जो मान्यता है वो ये कहा जाता है, ये देखिए ये घंटियां हैं। तो ये आपको सुंदर सुंदर मूर्ति हम आपको श्री शंखेश्वर धाम की दिखा पा रहे हैं, जो साखिन में स्थित है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 100 से 200 साल पुराना, और किसी ने अभी तक यहाँ ये नहीं बताया कि ये कितना प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर बाबा जी के जो भक्त हैं वो रात के 12 बजे यहाँ पूजा करके आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। अदृश्य शक्तियाँ हैं, अभी तक कोई पता नहीं कर पाया कि कौन अदृश्य शक्तियाँ आती हैं और बाबा जी की और भोलेनाथ बाबा जी की पूजा करके चली जाती हैं। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको यहाँ का जो स्थान है वो पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे, चारों तरफ घूम के दिखाएंगे। और ये देखिए ऐसा नज़ारा है यहाँ का, आप देख पा रहे होंगे। और इसी मंदिर के पड़ोस में आप देख पाएंगे ये सरोवर है, और ये सरोवर जो है इतना सुंदर है, इसमें कमल के फूल और ये उगे हुए हैं, और कमल गट्टे, और ये सब देख पा रहे होंगे। ये जो सरोवर है ये स्थान का ही सरोवर है, श्री शंखेश्वर धाम का। तो आप देख पा रहे होंगे, हम इधर भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा, ये शांति है यहाँ पर, आप देख पाएंगे। तो हम आपको सीधा लेके चलते हैं, ये यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है। तो यहाँ हवन कुंड में हवन होता है प्रत्येक सोमवार को, और यहाँ जो साधु संत रहते हैं वो सभी लोग हवन करते हैं। तो आपको दिखा पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये इधर देखिए जय माता दी, माता जी का मंदिर बना हुआ है, ये माता जी का मंदिर। तो ये एक अद्भुत यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं जो रात के 12 बजे आकर के और यहाँ पूजा कर जाती हैं। और आज तक भी कोई वैज्ञानिक और आज कोई भी यहाँ पर आया और इस बात को पता करने का बहुत प्रयास भी किया, लेकिन पता नहीं कर पाए और कौन सी शक्तियाँ आती हैं भोले बाबा की पूजा करके चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रिक मेला लगता है, 84 कोसी परिक्रमा मेला मार्ग पर ये साखिन स्थित है, और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थान साखिन। तो ये श्री बाबा, ये बाबा श्री शंखेश्वर नाथ जी मंदिर है। तो हम आपको थोड़ा दिखाते हैं इधर तालाब की तरफ। तो गाइज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं सरोवर की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर शांति रहती है और बहुत सुंदर सुंदर
पुष्प भी इस सरोवर में खिले हुए हैं और बहुत ही वातानुकूलित वातावरण है यहाँ पर, और बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है और ना ही ध्वनि प्रदूषण है। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल आ गए हैं सरोवर के किनारे, तो आपको उधर से लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं सीधा उधर। तो गाइज हम आ गए हैं इधर सरोवर की तरफ, और ये कितना प्यारा सरोवर और इतना अद्भुत करिश्मा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे यहाँ साखिन में पड़ता है और बहुत अदृश्य करिश्मा है ये सरोवर है। इसमें इस तालाब में आपको सब कमल ही कमल दिखेंगे, मैं आपको और नजदीक से दिखाने का प्रयास करूंगा तो आप देख पाएंगे। और इसी सरोवर से यहाँ से ही आप देख पाएंगे वो बाबा जी का मंदिर दिखता है, और ये चारों तरफ पेड़ पौधे भी और काफी हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पर एक बाबा जी भी रहते हैं और जो इस समय मंदिर के पुजारी से भी आपको हम मिलाने का प्रयास करेंगे। और तब तक हम आपको सरोवर घुमा देते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आपको ऐसी डेली ब्लॉगिंग के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहेंगे। गाइज ये आप देख सकते हो कितना प्यारा सरोवर है कमल का, इसमें कमल के फूल भी हैं, आपको नजदीक से दिखाते हैं तो हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए ये रास्ता है इधर सरोवर की तरफ आया हुआ हूँ, तो हम आपको गाइज दिखा पाएंगे, तो हम चलते हैं इस सरोवर के भीतर। और ये कमल के पुष्प जो हैं, कमल के पुष्प आपको मैं नजदीक से दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे ये कमल के पुष्प हैं, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, और कमल गट्टे भी इसमें आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ से मंदिर का कुछ इस तरीके से नजारा दिखता है, आप देख पाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अगर गाइज घूमना है तो आप आ सकते हैं ऐसे प्राचीन मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप गाइज बने रहिए, हम आपको मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और उनसे कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं गाइज, यहाँ से कुछ मंदिर का दृश्य इस तरीके से दिखता है, कितना प्यारा आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो शांति है वो हमें दूसरी जगह नहीं देखने को मिलती है, हम यहाँ पर आए, हम बाबा के दर्शन पा करके धन्य हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें हमारे मन को बहुत शांति मिली। तो आप लोग एक बार विजिट करिए, जरूर विजिट करिए, यहाँ आइए और यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको मिलाता हूँ बाबा जी से। तो गाइज हम आए थे यहाँ पर बाबा जी से मुलाकात करवाने के लिए, और बाबा जी इस समय चले गए हैं कहीं पता लगा, तो वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जोरदार धमाकेदार वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।